हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हेडोरो डॉक्टर में। और आज की जो वीडियो है वो जो हैंड वाइब्रेटर आप देख रहे हैं इसके टॉपिक पे है। बिना वीडियो को स्किप्ट किए हुए पूरी जानकारी आपको अगर चाहिए तो पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और आपको हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टॉपिक पर आकर के आपको बताते हैं कि क्या होता है इसमें और क्या क्या किस तरह से ये सेटिंग होती है, किस तरह से इसे चलाना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ये आपका 40 mm का निडल है जो कंक्रीट के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। और इसकी लेंथ भी आपको दिखाता हूँ कितनी लेंथ लंबी होती है, क्योंकि हल्का होता है, बहुत आराम से चला सकते हैं आप। ये आपका होता है 15 इंच ओनली, 15 इंच लेंथ का होता है। और ये कंक्रीट के हवा निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट, क्योंकि जो भारी वाले जो आजकल चल रहे हैं उनको, मतलब लोगों को रेस्ट देने के लिए, मैसन को रेस्ट देने के लिए बहुत इजीफुल है, हल्का है और आराम से आप चला सकते हैं इसको। चलिए अब ट्रायल दिखाते हैं आपको। चलो हाँ, दबा दे आप इसको इस बटन से बंद कर सकते हैं और इसी से चालू कर सकते हैं और बहुत इजीफुल रहता है और हल्का बहुत है ये। ये आज के जमाने की चीज है, कंक्रीट की हवा निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। आप मैं इसके लिए रेकमेंड करूंगा कि आप इसी को इस्तेमाल करें, कॉलम डालने के लिए, बीम डालने के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। आप इसी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कभी भी इसको एक बार यूज करके देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि भारी वाले वाइब्रेटर से हमें छुटकारा मिल चुका है। तो आप जो है इसका जरूर इस्तेमाल करें और बहुत इजीफुल है और कम लाइट खाने वाली चीज है और बहुत कॉस्टली महंगा भी नहीं है आपका ये। और ये लगभग आपको 3,000-3,500 के आसपास आ जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी रहती है इसकी। 3,000-3,500 में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो आपका 10,000 रुपये खर्च करते हैं आप, इतना भारी होता है, इतनी लेबर लगती है, उस सबसे छुटकारा मिल जाएगा आपको। और बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी और गाइस शुभकामना है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलना।